हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, दुबई में कंपनी में कमाता है 2000 दरहम, बट दोस्तों सिर्फ 500 दरहम भेज पाओगे। प्रॉपर इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो लास्ट देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ, ताकि आप लोग अवेयर रहो। और आप दो तरीके से सीख सकते हो, खुद गलती करो, खुद सीखो, या फिर दूसरे के गलती से सीख लो। और जो भी सवाल रह जाएगा दोस्तों, जो भी कन्फ्यूजन रह जाएगा, चलता है वीडियो भर में चार अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये गलती के कारण दोस्तों हम लोग यहाँ पे कितने भी पैसे कमा ले, हम लोग ज़्यादा पैसे नहीं भेज पाते, क्योंकि हम लोग एग्रीमेंट सही से पढ़ते नहीं है। तो एग्रीमेंट में क्लियर लिखा होता है दोस्तों सारा चीज़। तो ये भाई के साथ, बहुत सारे भाइयों के साथ इस तरह का घटना घटा है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझसे दोस्तों कम से कम 60,000 वर्कर भाई जुड़े हुए हैं। तो डेली न डेली एक न एक भाई लोग का तकलीफ और चीज़ हम लोग कमेंट सेक्शन में देखते रहते हैं, भाई लोग भी कमेंट करते रहते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि रिप्लाई मैं नहीं देता हूँ इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं होता, क्योंकि 10-12 घंटा ऑलरेडी खुद मैं जॉब करने के बाद फिर वीडियो बनाता हूँ, तो टाइम ना होने की वजह से दोस्तों हम रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो उसके लिए क्षमा है दोस्तों, आने वाला दौर में मैं इसका भी उपाय लगा रहा हूँ, ताकि आपका जो भी कॉमेंट है उसका मैं रिप्लाई ज़रूर इमिजिएटली कर दूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, कि जब हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें सारा डिटेल होता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितना होता है, ट्रांसपोर्टिंग रूम देगी कि नहीं कंपनी, और रूम रेंट देगी कि नहीं, खाना देगी कि नहीं। तो इसका क्या केस में था दोस्तों, एग्रीमेंट पेपर में तो ये लिखा था 2000 दिरहम सैलरी। ये भी खुश हो गया कि इंडिया का अभी रेट चल रहा है 22 दिरहम, तो मतलब 44-45 हज़ार रुपये मुझे मिल रहा। बट दोस्तों ये गौर नहीं किया कि ना उसमें ट्रांसपोर्टिंग कंपनी दे रही थी, ना उसमें दोस्तों ये खाने का पैसे दे रही थी, खाना दे रही थी, ना रूम का रेंट दे रहा था, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टिंग करके खुद जाना है, क्योंकि फैक्ट्री में इसका एग्रीमेंट लगा हुआ था, मतलब रूम दूसरी जगह पे था और फैक्ट्री में काम करना था। तो आने जाने का जो भी है बस से, वो इसका पैसा खर्च होने लगा। दूसरा खाना बना कर खाना था तो खुद खर्च करता था, तो 300-400, आपको पता है कि यहाँ पर महंगाई बढ़ गया, तो 400-500 रुपया उसमें खर्च होने लगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस का भी वही हो गया, ये बीमार उमार अगर पड़ जाए तो सारा दोस्तों इलाज खुद कराना पड़ता था। और चौथा दोस्तों यही था कि मान लिए यहाँ पे रूम का भाड़ा भी इसको खुद पे करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ करके दोस्तों इसकी सैलरी 2000 में जैसे बताया 2000 दरम, बट दोस्तों ये बचा पाया कितना, 500 दरम, 400 दरम ऐसे, मतलब इंडिया का 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा ज़्यादा भेज पाता था, वो भी कंसेशन में, कंजूसी करके, नहीं तो ये भी पैसा नहीं भेज पाता। तो इसका मतलब यही है कि जब भी आप एग्रीमेंट साइन करो दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखना, नहीं तो आपको 5000 सैलरी बताएगा, पता चला 1 रुपये नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सीधा ट्रांसपोर्टिंग कंपनी दे रही है कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है कि नहीं, फूड प्रोवाइड करा रही है कि नहीं, या फूड का पैसा अलग दे रही है कि नहीं, रूम का किराया कंपनी दे रही है कि नहीं, सारा चीज़ मेंशन होता है उसमें। सारा चीज़ पढ़ के तभी उस पर एग्रीमेंट में साइन करो। आपको पढ़ने नहीं आता है, आप अपने साथी का सहारा लो, या फिर यूएई के अंदर आप काम कर रहे हो दोस्तों, तो बहुत जगह पर यहाँ पर टाइपिंग सेंटर है, वहाँ पर जाकर आप टाइपिंग सेंटर वाले को अगर 5 दरम देना भी पड़े, 10 दरम देना भी पड़े, दे के भी सारे चीज़ पढ़वा लो, उसके बाद एग्रीमेंट साइन कर लो। क्योंकि एक बार अगर आप एग्रीमेंट साइन कर लिया तो आपको फिर 2 साल आपको यहाँ पर जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो 20 से निकलना है तो फिर आपको बहुत मगजमारी होगा, और आपको रूल यहाँ पे जल्दी पता नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये अपडेट था दोस्तों, ताकि मेरे वर्कर भाई इस तरह का चीज़ गलती करने से पहले सोचे और उनको ये सब चीज़ में ना फंसे। और वीडियो कैसा लगा नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक